नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज। में हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंज वासुदा में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत मंडल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विद्युत के बढ़ते बिल और कोरोना काल के दौरान सरकार के माफ किए बिजली के बिल की वसूली पूरा करने का विरोध लेकर एक प्रदर्शन किया। साथ ही विद्युत बिल माफ किए जाने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने उग्र चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोरोना काल के दौरान माफ किए बिल को माफ नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। शहर में बढ़ती बिजली बिल और कोरोना काल के दौरान शासन ने बिल की राशि को स्थगित की थी, लेकिन अब समाधान योजना चलाकर कुछ परसेंट काटकर बिल से वसूली शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, बिल की राशि जमा नहीं होने पर उनकी लाइट भी काटी जा रही है। बड़ी बात तो यह देखने को मिली है कि वार्ड नंबर 15 की रहने वाली एक महिला उपभोक्ता ने विद्युत कर्मियों पर आरोप लगाया कि विद्युत कर्मी बिल जमा करने के लिए दबाव बनाते हैं। इस संबंध में विद्युत मंडल के अधिकारियों से बात करना चाहिए तो वे अपने केबिन में नदारद मिले। कांग्रेस ने नारेबाजी करते हुए विद्युत मंडल का घेराव किया। साथ ही राज्यपाल के नाम कोरोना संकट काल के दौरान आय बिल माफ किए जाने पर 100 प्रति यूनिट के विद्युत बिल देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी समय तक बढ़ने बिल का निराकरण नहीं होता माफ बिल तो कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करने को तैयार रहेगी। विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम कोरोना काल के बिजली के बिल माफ करेंगे। बस हम तो क्यों उन्हें घोषणा याद दिलाने का था कि दो साल कोरोना काल चला, पहली दूसरी और तीसरी लहर, तो दो साल के बिजली के बिल माफ कर दो, आपने ही कहा है। और एक महीने से दो साल के, किसी के छः महीने के, किसी के आठ महीने के बिजली के बिल एक एक लाख रुपए आ रहे हैं, तो वो माफ़ किए जाए। दूसरी, हमारे नेता कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में हर उपभोक्ता को राहत दी थी, वो लागू की जाए और 100 यूनिट तक 100 रुपए के बिल आए। साथ में किसानों के लिए 5 और 10 हाथ पावर पे जो न्यूनतम दर पे कनेक्शन उपलब्ध थे वे बहाल किए जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हमने यहाँ पर एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के और आम जनता के साथ एक आंदोलन किया और SDM वासुदा को मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन। कुछ समय पहले अभी आपने कहा था कि किसी अधिकारी ने गोली मारने की धमकी दी है, क्या अधिकारी का नाम बता पाएंगे? देखिए, वार्ड नंबर 15 की एक बहन के पास आज सुबह विद्युत मंडल के लाइनमैन पहुँचे, उनके साथ वर्दी में एक बंदूकधारी सज्जन थे। उस बहन से उन्होंने कहा बिजली का बिल भर दो, ये तो हम लाइट भी काटेंगे और इसका भी उपयोग करेंगे, बंदूक का भी उपयोग करेंगे। तो जी, किसके संकेत पे किया जा रहा है? क्या हिटलर का शासन है? क्या प्रजातंत्र खत्म हो चुका है और बंदूक का डर दिखा के आप लोगों से जबरिया वसूली करोगे? तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं होनी। अगर बिल माफ नहीं किए गए तो फिर अगला चरण क्या रहेगा? निश्चित तौर पर हम फिर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अभी भी कोई कार्रवाई हुई है विद्युत मंडल द्वारा? विद्युत मंडल द्वारा आज लाइनें काटी गई हैं। अभी हम इधर के बाद उन सब लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी लाइटें जुड़े और जो बिल है वो उनको सही करके बिल भरवाए। आम जनता बिल भरने के लिए तैयार है। बनवा जागीर में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिए गए और उससे भी आप देखिए क्या शासन है। पट्टे और प्रधानमंत्री आवास जिस जगह हैं वही जगह उन्होंने काय की भी दे दी सब्जी मंडी के लिए, अब वो अलर्ट करा देंगे। जनता को जनता से लड़ाने की, पहले तो धर्मों को लड़ाने की राजनीति भाजपा करती थी और करती है, और अब तो जनता को जनता से लड़ाने की राजनीति भाजपा बनवा में जिसकी शुरुआत कर रही है वो हम नहीं होने देंगे और बनवा की जनता के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।